भूल गया कटर अवश्य दे तमाय वेडिंग इनविटेशन कार्ड देगा पोच्चर कल्पना कर मदले कल्पना कर डिजाइन कर ला प्रूफ रीडिंग कर ला मनमाला मनमाली अगिनायो अरे अगिनायो ओको मेक तो वेला करने तीरने आता माय में वेडिंग कार्ड देगा किया ने अभी बालमु इंडिया में वेडिंग कार्ड्स मुनादे तीरने किया ला हाय फ्रेंड्स वेलकम टू अमेजिंग सुंदर इंडिया मगे चैनल सब्सक्राइब वेला लाइक वेला शेयर करला कमेंट करला गोडाई में लगक दीदा हेमोटम बहुम स्तुति माव धैर्य मत करना इत मे गोबल अंगे पलवी वीडियो के ना अमतक करने पास सब्सक्राइब करने मोकद इंडिया विद ये विशेष सिद्धि आन दकिन बोलवा मां दिक रेडी सिटी और मे दिएने वेडिंग कार्ड प्रिंट करना लेकिन प्रिंट करना ऑर्डर्स करना पड़या किस तरह मकर कार्ड किया अभी हमें अतुलट बरान होना देख लगा होती ना वैरायटी के लिए बरान दिस इज अ बॉक्स कार्ड ओके तो ऐसा बॉक्स कार्ड का आपका कितने नंबर का ऑर्डर लेते हैं नॉर्मली मिनिमम किसी का भी 100 होना कार्ड सी या मिनिमम देन नोने ए ऑर्डर है कार्ड होता है मैक्सिमम आपको अभी तक कितने आए हैं पहले तो लॉकडाउन के पहले 2-3 हजार चलते अच्छा अभी इस टाइम थोड़ा 700-800 तो ज्यादा है हजार तक इस तरह देदाह तुंदाह तवित के इनविटेशन कार्ड ना मेवा है मगर नोगन तेल तो गणेश देवी आंगे सालकुना थी मैं हिंदू कट्टी आगे मैं अभी लम अहन्ने गणम वैडी में कार्ड देगा अरे वाह 80 रुपीज का एक है पर पीस तो ये रुपया 80 में के का पे गया गाथिन गनम में का संजय वेड्स औनी कियाला नाम एचआई कार्ड का मेगा रुपया 80 वही है थोड़ा अलग है इसको बटर पेपर आता है बटर पेपर हां हां 9 पेज अंदर ओके नेम प्लेट तो ये भी कैसे 70 रुपए ये 70 में का 70 रुपीज दस से नहीं इट्स ब्यूटीफुल तो ये बंद हो जाते हैं ना हां तो ये बैग के अंदर रहता है ओके कार्ड नहीं है मेरा मेगा बॉक्स कार्ड देखा कि उन्होंने मेरे बैग के अंदर तो मैं डाल देंगे हां मैं अभी लो फ्लोरल कार्ड ये नया ट्रेंड होगा ना अभी चल रहा है दो साल से चल रहा है हां हां मैं और देखा कि ना मैं फ्लोरल कार्ड से आने और ऐसे कार्ड्स का कैसा है रेट 75 रुपीज बोला हिंदू कार्ड लेंगे हिंदू वेडिंग सर्ट है ये वाला मलमाला नागिन तीन का एक बहुत कैमतीनो विवाह उत्सव मतलब क्या है बहुत ज्यादा लोगों को कुछ लिखना है मैं कट्टी इसमें देखो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है तो उसके लिए मैटर ज्यादा है ना बड़ा बड़ा लिया निसा है तो बड़े मेरे जंबो साइज कार्ड सही लगे अभी यहाँ पे ऐसा है ना कि शादी एक दिन और रिसेप्शन एक दिन ऐसा भी होता है ना तो वैसे दो दो लेते हैं क्या कोई आके नहीं कार्ड एक ही रहता है इंसर्ट्स दो करते हैं मतलब एक पेज के ऊपर वेडिंग का डाल देते हैं और एक पेज के ऊपर ऐसा एक करते हैं रिसेप्शन का ओके और कुछ मेहंदी का ऐसा ऐसा सब लगा सकते हैं हाँ एक पेज के ऊपर कर देते हैं वेडिंग का और रिसेप्शन और मेहंदी का एक पेज के ऊपर ओके दो पेज के अंदर मैटर आ जाता है हां देन अपे को हमें द वेडिंग ने कटा वेनम काटिया එතකොට රිසෙප්ෂන් එකට වෙනම කට්ටියක් දැන් මෙහෙ කොහමද කාඩ් එක දෙනකොට ඒගොල්ලෝ කාඩ් එක එකයි බඳිනවා කියලා දෙන කාඩ් එක මේක එකයි ඒකේ මැටර් එක ලියන්න වෙනම කොළ තියෙනවා මේ
ఇదొడ వెడ్డింగ్ నేకటే ఎక ఇలాంటి రిసెప్షన్ నేక ఎకక ఇలాంటి మెహందీ మెహందీ ఫంక్షన్ నేక హల్దీ ఫంక్షన్ ఏ వగే ఎక ఎకేవ మేమ దాత హై ఇదొకట అపి దు మట మెయాట గాన్ నోనే షాదీ ఎకట విత్రై కిలన్ వెడ్డింగ్ నేక విత్రన కియే దాల్తే సిర్ఫ్ ఉస్కో వెడ్డింగ్ హై లైక్ వెడ్డింగ్ और एक रिसेप्शन के लिए पेज रहता है इसके अंदर हाँ, दो पेज रहते हैं दो पेज okay. दोनों के ऊपर मैटर कवर हो जाता है रिसेप्शन के लिए और वेडिंग के लिए बॉक्स कार्ड है okay, okay. और ये बटर पेपर है इसके ऊपर सप्तपति का मैटर दिया है हाँ, हाँ, हाँ. तो मैं बोला मैं कार्ड मैं अभी खबर है आयुष्मान वेद मधुमिता के बटर पेपर विस्तरी मैं किया अरे महात्मा की युवा वगे मेक दिए मैं वेडिंग वेडिंग नैकट मैं रिसेप्शन नैकट ऐसा वेडिंग नैकट वितरा कंड इफ दे वांट टू ओनली कॉल फॉर वेडिंग ऐसा ही देते सिंगल कार्ड देखा मैं मेहम देना मैं डेकोरेशन के लिए तो मेक दिए अरे वटहते अंडे वटहते मीनिंग to nourish each other to remain friends lifelong to be together forever to care for our children to share our joys and sorrows so to preserve our wealth to grow together in strength era saptapadi 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 yani ara watahate meaning ekak okula dannanne gindara wate watahatak yanne e watahate meaning ekak dala nikan e decoration purpose very beautiful nice Arshan saab variety cards se abhi aapke paas hai na वो कौन डिजाइन करते हैं आप प्री डिजाइन वाले आते हैं क्या नहीं ऐसा रहता है पूरा माल जो है दिल्ली से आता है दिल्ली से उधर से आप ऑर्डर देते हैं आप सॉर्ट करके आपको जो पसंद है चलेगा करके लगता है वो ऑर्डर करके निकाल देते हैं कुछ ऐसे नॉर्मल कार्ड के स्टॉक रखना पड़ता है 2000-3000 फोन और बाकी बॉक्स का बुक करके ऑर्डर देना ऑर्डर तो ऑर्डर जल्दी आता है क्या हाँ 8 दिन में आता है 8 दिन में आता है 4 से 6 दिन 8 दिन तो अगर इधर है तो 4 दिन में प्रिंट करके दे देते हाँ। अगर वो बाहर से आना है तो 8 दिन तो लगता 4 से 8 दिन में मिल जाता है। मैं मेरे को लास्ट समय नहीं मेरे को पर्स के वागे ये वागे हरी वैरायटी थी ना मैं है विवाह है एक टे आंधला अनिवार्य में गाने देवियां के पिंक उड़े आती है ना एक कंसेप्ट की तरह देवियां के आशीर्वाद है लबागे ना तमाय पालवेनियम अरे कार्ड के कारीनो कोटा में एक लंट फीलिंग है क्या ना माने बहुत शुक्रिया हमको बहुत एक्सप्लेनेशन किया इधर का प्रोसेस कैसे जी आपका दुकान का नाम क्या है सर ओमकार कार्ड्स एल्बम मेकअप वगैरह हदलती नो इतनी कपल्स आके या पेरेंट्स के साथ आके सिलेक्ट करके आपको ऑर्डर दे तो आप कितना दिन लगता है आपको ऐसे ऑर्डर दो तीन दिन के दवास देखा तो नहीं मैं क्लास से प्रिंट कर ले हमें देना तो भारी कार्ड आपके किधर है वो उधर है कोना में Nice. बहुत अच्छा कलरफुल है ये देखो तो इसका बंद कैसे करते हैं अच्छा बला ना कुछ आर्टिस्टिक ना ऐसे कार्ड कितने का होता है 10 रुपये में तो इसमें तो गणेश ग्रीटिंग में आता ₹10 शिवाजी महाराज के कुछ वेदगत का मत्ती कुछ पिलगनी मत्ती रजतुमा की वेडिंग कार्ड आगे थोड़ी पिंटूरे अद्दाली
मैं मेरा हल्दी कुमकुम अक्षदा है ना, अक्षदा है ना, बेबलन बेबलन ओगोले मगेरा फोर्ट मेकिंग वीडियो का बलन ना थी शिवाजी महाराज तो कोचर रेस्पेक्ट का तीनों दिला महाराष्ट्र इंस लगे वगे मैं वेडिंग है बोला बेबल गणेश देवी हो शिवाजी महाराज के बस ये बोला कि सिंबल्स बलन ने शिवाजी महाराज के किंगडम में का ये लोगों को क्रेज होता है ना कभी कभी सिल्वर कलर कार्ड लास्ट है मैं ओको में हिंदू कार्ड था मैं हिंदू वेडिंग सेलर मैं वीडियो इंटरनेट से मांग रही थी सारा हिंदू वेडिंग्स का कार्ड है ना आपके पास बरन अब यार कालिंग कार्ड है देख के ये भी बेटर मैं को रुपया लाटा को आगे मतलब मैं क्या बिल्ला निकाम पत्रिका जैसा है ना संदेश आप आगे हाँ मैं रुपया लाटा की तरह मैं वाडू मैं මේ කාඩ්ස් ගොඩක් රිච් කාඩ්ස් මේකත් ඇවිල්ලා තියෙන මේ බොක්ස් එකක් ඇතුලේ සමහර විට මේ බොක්ස් එකක් ඇතුලේ තව ගොඩක් දේවල් දානවා ඒ කියන්නේ කාඩ් එකට අමතරව නිකන් ස්වීට්ස් දෙකක් ඊට පස්සේ හල්දි කුම්කුම් නිකන් ඒ කියන්නේ සුබ පණිවිඩයක් දෙන සුබදායක දේවල් කියලා කියන්නේ අපේ පොල් ගෙඩියක් වගේ නේද මේක පොල් ගෙඩියක් දාන්න බෑනේ ඒ හා සම්බන්ධ දේවල් මේ බොක්ස් එකට දාලා තියෙනවා ඒ වගේමයි මේකත් මං හිතන විදිහට මේ ඇවිල්ලා මේ ස්ක්‍රෝල් එක අපේ පුස්කොළ වගේ දිග ඇරලා බලන්න ඕනේ එතකොට ගණේෂ් දෙවියන්ගේ පින්තූරයක් තියෙනවා ඒට අමතරව මේ කාඩ් එක මට හිතෙනවා මේ වීදුරු දෙක වගේම මේ gift එකක් විදිහට දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ concept එකක් තියෙනවා return gift කියලා. return gift කියන්නේ wedding එකට ආවට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට කපල් එක මතක හිටින්න. ඒගොල්ලෝගේ නම් දාලා හරි නම් නැතුව හරි යම් දෙයක් දෙනවා gift එකක් විදිහට. දැන් අපේ ලංකාවේ දෙන්නේ thank you card එකන්නේ. මතක් වෙන මේගොල්ලෝ literally වටිනාකමක් යුතු යමක් දෙනවා එන කට්ටියට. ඉතින් මට හිතෙන්නේ මේක ඇවිල්ලා ප්‍රී වෙඩින් gift එකක්. ඒ කියන්නේ wedding එකට invite කරනකොට සමහර කට්ටිය gifts දෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. මනිෂ් නාගරේසගේ පුණා cards කියන කඩේ මම විශේෂයෙන් ඕගොල්ලන්ව මෙතනට ගෙනාවේ මේ මහත්මයා ගාව තියෙන Buddhist cards. सर Buddhist card दिखाइए ना क्या क्या है आपके पास. ठीक है. ඒවා තමයි Buddhist cards කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ Buddhist wedding වලට මේවා තමයි print කරන cards. और कैसे रेट वगैरह इन सब का? 6 रुपए से आगे रुपया हाई ना यह लट्टा 100 रुपए रुपया सी ये वाला काम तीनों मैं हमें है कम मैं आपे साइन ने खाती है ना ධර්මචක්‍රේ නන්නේ මේ ඇත්තටම අමාර කිව්වා වගේ මේ වෙඩින් කාඩ්ස් කියන්නේ සලකුණක් මොකක් හරි ඒ දහමේ සලකුණක් තියෙනවා ඉතින් මේ බලන්න මේක බුද්දිස් කාඩ් එකක් ये बुडिस कार्ड करके कैसे पता चलता है ये प्लेन रहेगा तो जिस पे गणेश नहीं है वो बुडिस कार्ड कॉमन हो जाता है ओके गणेश देवी आपके पिंतूर है ना तंग एक क्रिश्चियन ऐप यूज कर लो बुडिस ऐप यूज कर लो आती है ना मैं तीन क्रिश्चियन है ये मैं बुडिस वो कोले एक शेप है ना मैं बनाने ये कितने का है ඔයගොල්ලන්ට මට කියන්න ඕනේ දැන් මේගොල්ලෝ බුද්දිස් කාඩ් කියලා කියන්නේ මේගොල්ලෝ දැන් ඉන්දියාවේ ගොඩක් දහම සම්බන්ධයෙන් විවිධ ආගම්වල එහෙම පාටිෂන් වෙලානේ තියෙන්නේ අපි දහම ගන්නේ නැහැනේ අපේ වෙඩින්ග්ස් වලට වෙඩින් කියන්නේ වෙනම කතාවක් අපේ ධර්මය කියන්නේ වෙනම ෆිලොසොෆි එකක් මෙහෙ ඇවිල්ලා මේ විදිහට වෙඩින් කාඩ් එකටත් මේ විදිහට ප්‍රින්ට්ස් දානවා ඉතින් ඒක ඒ රටවල තියෙන විදිහ නේද ඉතින් අද දවසේ ගත කරේ අපි වෙඩින් කාඩ්ස් මොනවද කියලා බැලුවා කොහොමද ඒව ප්‍රින්ට් කරන්නේ පඩවල් කීපයක් කියලා බැලුවා වරයිටිස් බැලුවා ඉතින් මම හිතනවා මෙච්චර ලාභ නැතුව ඉති ලංකාවේ ඕගලන්ට ටිකට් එකක් කරම් වෙඩින් දෙක තුනක් එක දිගට තියනවා නම් කාගේ හරි යාළුවෙක් එක්ක එකතු වෙලා මෙතනට ඇවිල්ලා ටිකට් එකක් කරම් වෙඩින් කාඩ්ස් print කරගෙන ගියත් ලාභයි නේද එහෙනම් amazing sundar india හැමදාම කියන interesting topic ඊළඟ සතියේ හම්බෙමු bye